नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत अतिक्रमण हटाओ अभियान ने जोर पकड़ लिया है। प्रतिदिन भिलाई निगम क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने अवैध अतिक्रमण, अवैध कब्जे, अवैध प्लॉटिंग पर लगाम लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सुपेला के लक्ष्मी मार्केट में बड़ी कार्रवाई की गई। 2 JCB और 2 डंपर की मदद से लक्ष्मी मार्केट से नालियों के ऊपर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। आसपास के लोगों ने बताया कि नालियों में अतिक्रमण की वजह से इसी अतिक्रमण स्थल पर सब्जी आदि विक्रय का काम किया जाता है। इसके चलते सड़क की चौड़ाई लोगों के आने जाने के लिए कम मिलती है, जिससे क्रेताओं को आने जाने में काफी परेशानी होती है। वहीं बाजार में भीड़ भी अधिक हो जाती है। केवल 4 फीट की जगह आने जाने के लिए मिलती है, इसलिए नालियों से अतिक्रमण को हटाकर नाली की सफाई कराई गई है। निगम की JCB ने लक्ष्मी मार्केट के सभी नालियों से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की है। देखिए, लक्ष्मी नगर मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है और काफ़ी लोग जो हैं वहाँ पर अपनी ख़रीदारी करने आते हैं, और कहा जाए तो सब्जी मार्केट, मटन मार्केट और मसाला मार्केट का बड़ा बाज़ार वहाँ पे लगता है, और ख़ासकर जो शाम का वक्त होता है उसमें काफ़ी भीड़ की संभावना भी हो जाती है। यहाँ पर मार्केट में नालियों पर अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसकी जानकारी जब निगम को लगी तो लक्ष्मी मार्केट सुपेला से नालियों पर जो अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं आयुक्त महोदय ने निरीक्षण भी किया है स्थल का, लक्ष्मी नगर मार्केट का। व्यापारियों और व्यवसायियों से उन्होंने बात भी की है। कुछ मांग भी व्यवसायियों की तरफ से थी कि सर शौचालय की व्यवस्था हो जाए और मूत्रालय की, क्योंकि पहले जहाँ पर शौचालय था वहाँ पर व्यापारियों ने कब्जा की बात कही है, तो आयुक्त महोदय निर्देश दे हैं कि कब्जा हटा करके जो है एक शौचालय और एक जो मूत्रालय है वो बनाया जाए महिला और पुरुष के लिए अलग अलग। तो इस प्रकार से व्यवसायियों की मांग पर जो है आयुक्त महोदय ने थोड़ी संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों को ही निर्देश भी दिए मौके पर। इसके अलावा सुपेला लक्ष्मी मार्केट में जो अतिक्रमण जो हुआ था उस पर 4 फीट का सड़क ही आने जाने के लिए बच रहा था, जो मुनासिब नहीं था। जहाँ पे लोग आते जाते थे उनको आने जाने में परेशानी थी, दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती थी, कोई गाड़ी वहाँ गुजर नहीं पाती थी। बहुत सारे अनेकों ऐसे कारण थे जिसके वजह से जो है नालियों से अतिक्रमण हटा करके बरसों से जो नाली साफ नहीं हुई है उसको साफ करने का अभियान चल रहा है। उसकी कनेक्टिविटी जो है बड़े नालों में दी जा रही है। बारिश के मौसम में जाहिर है कि यदि नालियों से कचरा नहीं निकाला जाए तो फ्लो जो है वो वहीं रुक जाएगा और फ्लो नहीं होगा। तो इन सब को देखते हुए हम नाली को पूरा क्लियर करके उसको बड़े नालों में कनेक्टिविटी देने का काम कर रहे हैं। बारिश के दिनों में नाली से प्रवाह अवरुद्ध हो रहा था। बाजार में खरीदी के लिए आने वाले लोगों को खरीदी के लिए जगह नहीं मिल पाती थी, और ऐसी स्थिति में हादसों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इन सभी कारणों के मद्देनजर लक्ष्मी मार्केट के पूरे इलाके में नालियों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।